इस बार विधानसभा दीयां चोणां विच आम आदमी पार्टी वल्लों चोण मनोरथ पत्र विच प्रण कीता गया सी कि असी VIP सभ्याचार नूं खत्म करांगे, पर वेखण विच आया कि सत्ता विच आउण तों बाद पंजाब सरकार ये लागू नहीं कर सकी। इस दी प्रतख मिसाल कल रामपुरा विखे वापरी एक ताप अनुकूल गोदाम कोल्ड स्टोर नूं अग लगण दी घटना तों मिलदी है, जो प्रशासन दे VIP ड्यूटी विच रुझे होण करके अज दूजे दिन भी बुझ नहीं सकी। ये प्रगटावा ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसायटी अमृतसर के मुखी डॉक्टर इंद्रजीत कौर वालों बीते कल कोल्ड स्टोर नूं लगी अग ते अग ते काबू ना पाए जाण करके प्रशासन की लापरवाही ते अफसोस प्रगट करदिआं कीता। उन्हां दा कहना है कि इस धुएं की कड़त्तण कारण पिंगलवाड़ा विच रहिंदे मरीजां प्रबंधकां ते सेवादारां दा साह लैणा औखा हो गया है अते सारी रात मरीजां समेत प्रबंधकां ते सेवादारां नूं वार्ड तों बाहर निकल के खुले आसमान हेठ बतीत करनी पई। साडे देश दे विच VIP कल्चर जिहड़ा है उह शायद हड्डी रच गया है, इह निकलदा नहीं हैगा, इहनूं कढणा बहुत जरूरी है, क्योंकि जदों तक इहो जिहा कल्चर होएगा तां प्रशासन जिहड़ा अपना काम नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी ने जदों विधानसभा दीआं चोणां लड़ियां तां इहनां दा चोण मनोरथ सीगा कि असीं VIP कल्चर खत्म करांगे, बड़ा खुशी मनाई सारिआं ने इस गल दी। और देखण विच कल दी घटना देखण तों बाद इंज लगदा है वी इह कुछ खत्म नहीं होया हैगा, उह तां इह चल रिहा जिद्दां पहलां सीगा। कल इदां होया कि पिंगलवाड़े दे मानावाला ब्रांच पिंगलवाड़ा अमृतसर दे पिछे रामपुरा दे विच एक कोल्ड स्टोरेज है जिहदे विच कि मिर्चां ते होर मेवे शेवे बहुत कुछ जमा कीता होया है, ना तां मेरे ख्याल उहदे कोई बणतर दा कोई ढंग है किस तरह दा होणा चाहीदा, ते थोड़ी जगह दे विच ज़्यादा समान तुरनिया पिया है, पता नहीं किस तरह उत्थे अग लगी, अग लगन करके जिहड़ा धुआं सीगा मिर्चां बहुत सीगियां ते मिर्चां वाला धुआं हवा जिहड़ी सी उह मानावाला पिंगलवाड़े वाले पासे सीगा, साडा सारिआं दा दम घुट रिहा सी उस वेले बहुत ज़्यादा, मरीज़ भी बड़े औखे सीगे, सेवादार भी सारिआं नूं मास्क बनाए गए वी मास्क पा लो, जिहड़ी जिहड़ी जगह ते थोड़ा जिहा घट धुआं सी असीं सारे मरीज़ उत्थे इकट्ठे करके बहि गए तां कि बचाया जा सके उहनां नूं। इन्हें च फिर मैं जिते जिते मेरी कोई वाकफियत से मैं फोन करने शुरू कर दते, जिसे मैं एक बार विजय प्रताप जी ने भी किया उन्होंने भी दसिया, उस तो बाद जड़े मुस पुलिस कमिश्नर ने उन्होंने भी गल की अरुणपाल जी नाल, तो वह कह लगे मैं दो बारी थोड़ा था टेलीफोन तो नहीं चुकया कि मेरी ड्यूटी जी सी इतने आए हुए ने चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह जी मान उन्होंने सी, तो मैं उन्होंने भी दस दिना, मैं खुशी हुई भी दसंगे तो चंगा प्रशासन वधिया काम करेगा। पर 9 बजे असीं घटना स्थल पर गए जाके देखिया तो ना तो उत्थे कोई उत्थे पहुँचने वास्ते सड़क प्रॉपर हैगी है, ठीक सड़क है भी जो उत्थे उस स्थान पर पहुँचे जा सके बड़े आराम नाल, दो अग बुझाऊ इंजन जरूर उत्थे खड़े सीगे पर उदा तो कोई फायदा नहीं सी क्योंकि वह कुछ कर नहीं सक रहे सी, ना तो उस गोदाम के अंदर जाने कोई राह सीगा ना कोई वड्डा गेट सीगा। फिर JCB मशीन मंगाई तो JCB मशीन भी जिहड़ी है वह बहुत देर लगी रही ता जाके थोड़ा जा रस्ता बनया तो उहदे च उन्होंने माल कढ़ना बाहर शुरू कर दिता, पर जिहड़े अग बुझाऊ इंजन से कुछ नहीं सी कर सक रहे। देख के असी भी आ गए उत्थे SDM भी मिले सानू तो एक 71 जड़े कारपोरेशन के वह भी मिले, पर मैनू लगता है कि 11 बजे सारे उत्थों चले गए। और यह भी पता लग्या कि 11 बजे जरा उन्होंने JCB मशीन मंगाई सी वह भी वापस कर दिती, उन्होंने काम ही बंद कर दिता। सवेरे जो साढ़े एक अधिकारी गए देखने वास्ते तो उत्थे कोई प्रशासन वालों कोई अधिकारी नहीं सी गा ना कोई होर काम करने वाला सी, सिर्फ दो अग बुझाऊ इंजन से काम करने वाले दो बेचारे व्यक्ति सन जिहड़े पानी नाल भिज्जे पए सन, होर कोई भी नहीं सी हैगा। तो साढ़े कोल फिर सारी रात धुआं आंदा रहा पर मिर्चां वाला नहीं सी, इस करके सानू इरीटेशन नहीं हुई तो असी इंज लग्या भी ठीक है पर ठीक नहीं सी हैगा। सवेरे उठन तो बाद ओले धुएं दे इंज लगा जिवें कोई जहरीली हवा विच शामिल हुई होंदी है जिहदे नाल चक्कर आउण लग पए। फिर उस तो बाद प्रशासन नूं टैलीफोन कीता, इतों के डिप्टी कमिश्नर फोन किया मैं, फिर डॉक्टर निज्जर फोन किया, जिते जिते भी मेरी कोशिश होंगी सी मैं सारिआं नूं फोन किया और मैं दस दिता कि 11 बजे JCB मशीन क्यों वापस कर ली गई जदों कि अजे कुछ भी नहीं होया। पर हैरानी की गल है कि अजे भी 1:30 बज गया दोपहर तो 2 बज गए शायद अजे भी धुआं निकल रहा है, अजे तक भी उन्हां कोल काबू नहीं पाया जा सकिया। शुक्र है कि वो अंदर कोई हवा जाने नहीं सी, ऑक्सीजन नहीं मिली अगर नहीं तो उन्होंने अग बहुत भड़क भड़क पैनी सी,
और धुआं ने जो खराबी की है वो मोनोआक्साइड भी होंगी कार्बन मोनोआक्साइड जिद सुता सुता बंदा मर जाता जे वो मात्रा वाद होती तो हो सकता है कई साडे भैन भरा जो सके क्योंकि हवा जी पिंगलोड़े वाले पास से काफ़ी नुकसान हो सकता सर। तो इस तरह मेरी बेनती है कि अज तो बाद जोड़े साडे राजनीतिक वीर ने उन्होंने सिर्फ अपने दाल अपने अंग रक्षक रखने चाहिए ने प्रशासन अपना काम कर देना चाहिए और उन्होंने हुक्म देना चाहिए कि प्रशासन अपने काम वालों वेसला ना हो नहीं तो असं कुछ भी नहीं कर सकते। घटना वापरी अग पर काबू नहीं पाया जा रहा समय भी प्रशासन की लापरवाही है ये दोवे चीज़ा ने एक तो इन्ना नक्शा नहीं वेखते है बनाने लग्या उन्होंने पूरा ठोसया होया जोड़ा भी स्टोरेज बनाया इन्होंने गोदाम बनाया वो लंघन थान नहीं बंदा नहीं लंघ सकता उतो एक फायर ब्रिगेड कितों लंघना। तो ये पहला नक्शा भी जोड़ा वो हिसाब होना चाहिए वो कोई फायर ब्रिगेड जा सके जो अग लगे तो बुझा सके पर तो कोई नक्शा नहीं है कुछ नहीं है जिस तरह मर्जी कोई बनाई जाता तो साडे जिहड़े निजम ने उन्होंने बड़ी लापरवाही है बड़ी तगड़ी तो हुण भी लापरवाही है तो व्यापारियों ने कहा पैसे पा के राती जेसीबी मशीन रख ली उत्थे तो सारे असी इक्को जिहे गए साडा कसूर भी है असी भी लापरवाह तो जिहड़ी प्रशासन है वह भी लापरवाह है तो साडा जिहड़ा कल्चर है यह बदलना चाहिए सानू अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होना चाहिए कि सानू किवें सानू जिहड़ा बचना चाहिए वक्रिया वक्रिया इहो जिहियां मुसीबतां तो बहुत मंजिलियां इमारतां असी बना लईआं पर साडे कोल अग बुझाऊ ईंधण बुझाऊ जो उस हिसाब के नहीं है तो इस अगर सारा कुछ जिहड़ा ना बेनिजमा हो रहा।